नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज हमारे पास हैं तीन जूते। एक आपका रेड चीफ का हो गया, सॉरी एक वुडलैंड का हो गया और दो रेड चीफ के शूज हैं। तो आज हम बताएंगे इन तीनों शूजों में कौन सा बेस्ट शूज है। आखिर वुडलैंड का शूज बेस्ट रहेगा कि रेड चीफ का शूज बेस्ट रहेगा। और ये आपका काफी हैवी शूज है, इसका वजन लगभग 1 से 1.5 किलो लगभग हो सकता है, मे बी 1 kg के आसपास तो हो सकता है। और दूसरा है इसका वजन लगभग 600 ग्राम के आसपास का होना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे इन तीनों शूज में से कौन सा शूज बेहतरीन है। तो इसमें एक बात साफ स्पष्ट है कि जो इन शूज हैं, जो इन जूतों में सबसे बेहतरीन, जो इसमें सबसे अच्छा शूज है, वो आपका वुडलैंड का शूज है। इस शूज में क्या खासियत है, इसका कभी भी इसका जो सोल है वो कभी क्रैक नहीं होगा। इसका जो सोल का मटेरियल है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का रबड़ है इसमें इस्तेमाल किया गया है, जो कि ट्रक टायर ग्रिप में, जो ट्रकों के टायरों में ग्रिप आती है, उसका ये इस्तेमाल किया गया है। और बहुत ही इसमें जो इसकी जो ग्रिप है, जो इसमें रबड़ के कट्स दिए गए हैं, वो आपको स्लिप करने या फिसलने से बचाएंगे और उसमें आपको कोई भी आपको पैर को प्रोटेक्ट करेंगे। और ये एक अच्छी दबंग छवि के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जबकि ये जूता आपका रेड चीफ का है, इसकी जो ये देखिए आप, ये चीज देख रहे हैं, इस पे क्या है कि कुछ दिनों बाद यहां से क्रैक होने की संभावना हो सकती है। हालांकि अच्छा शूज ये भी है, लेकिन इससे ज्यादा इसकी लाइफ है। इसकी लाइफ अगर 10 इयर्स है तो इसकी 5 इयर्स है। 5 ईयर बाद इसकी जो ये जो मटेरियल है, ये यहां से पेस्टिंग खुलने लगेगी और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आपको। तो और इन शूजों में क्या रहता है, जो इस तरह की पॉलिश में आते हैं, जो मैट, ये जो क्या नाम, ग्लोस फिनिश के साथ आते हैं, इनकी जो पॉलिश है, अभी तो आपको ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का लग रहा है, लेकिन इनकी कुछ देखो, अभी यहाँ पर भी शाइनिंग कम है और यहाँ इसकी शाइनिंग थोड़ी ज़्यादा है। इसके लिए आप शू शाइनर या स्पोंगी या कुछ भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरऑल ये शूज बहुत अच्छे हैं। अगर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइबर काउंट कम होने पर प्रोडक्ट रिव्यू के लिए स्टोर वाले इतना रिस्पांस नहीं देते हैं, जो कि आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो मेरा मानना यह है कि वुडलैंड ज़्यादा बेस्ट कंपनी है, रेड चीफ इतनी सेकंड नंबर पर मेरे हिसाब से है। मेरा कोई ऐसा वो नहीं है ओपिनियन, लेकिन जो मैंने इस्तेमाल किया जहाँ तक, उसमें ये वुडलैंड का ज़्यादा टिकाऊ प्रोडक्ट है और इसकी पेस्टिंग वगैरह तो कभी खुलती ही नहीं है। अगर पेस्टिंग सपोज डेट अगर खुलती है, तब आप क्या करेंगे। अगर आपकी वुडलैंड की शूज की फेस्टिंग खुलती है, तो ये फेबिकॉल का ऑल फिक्स प्रोडक्ट है। इसकी कीमत मार्केट में 35 रुपीज है। इससे आपको फिक्स कर सकते हैं, और इससे फिक्स नहीं हो रहा है तो ये आपका फेबिक्विक ये आफ्टर मार्केट में मिल जाएगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।